आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राफेल विमान सौदे के मुद्दे पर लोकसभा के नियम 193 के तहत चर्चा आज भी रहेगी जारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी के आरोपों को किया खारिज, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष। कावेरी नदी पर प्रस्तावित डैम को लेकर जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी आज राज्यसभा में देंगे बयान। AIADMK और DMK सांसदों ने मौजूदा सत्र में इसी मुद्दे पर लगातार कार्यवाही में पैदा किया अवरोध। एक साथ तीन तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। जालंधर में आज भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर होगा मंथन। सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेताओं समेत देश विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिक और 40 देशों के छात्र करेंगे शिरकत। पंजाब के गुरदासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए साल में पहली जनसभा। चुनावी साल में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को दिखेगा दम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की 100 रैलियों की योजना। और सिडनी टेस्ट में मयंक अग्रवाल का अर्धशतक, टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 100 रन के पार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर भारत का पहले बल्लेबाजी का फैसला। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया।